सरायकेला जिला में सरायकेला प्रखंड अंतर्गत दिगरसाई और हेसा गांव में टाटा स्टील कंपनी ने 30 एकड़ जमीन प्रशासन द्वारा तलाश की है। अंग्रेजी माध्यम के आवासीय विद्यालय के लिए जो पेशा कानून के तहत बिल्कुल गलत है। यह समस्या मेरे समुदाय में डीसी के लापरवाही के कारण मौजूद है। मैं सुजिता और यह है मेरा समुदाय। कितना जमीन जा रहा है आप लोग का? हम लोग का हेसा और दिगरसाई ग्राम से 60 बीघा जमीन जा रहा है। इसको लेकर के आप लोगों ने डीसी से आवेदन लिखा था? इसको लेकर हम लोगों ने डीसी से आवेदन दिया था, पर इसका कोई रिपोर्ट नहीं आया। स्कूल बनेगा तो आप लोग का बच्चा भी तो यहाँ पर पढ़ेंगे, फिर भी आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? स्कूल ये अंग्रेजी आवासीय विद्यालय बनने का बोल रहा है, तो उसमें हमारे यहाँ पर कोई समृद्ध वैसा परिवार है नहीं जो अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ा सके। भरोसा नहीं कल को, अभी तो बोल रहा है कि हम वहाँ पर ये स्कूल बना देंगे, कल को यहाँ हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे ये भी सुनिश्चित नहीं किया गया है। इस वजह से हम लोग नहीं देना चाह रहे हैं। शिक्षा देना है स्कूलों में, तो जो हमारे यहाँ पर स्कूल हैं वहाँ के शिक्षकों की नियुक्ति करवाएं, बहाल करवाएं। वो सब कहे कि अभी भी बहुत सारे स्कूलों में ये शिक्षकों का अभाव है। बिना पूछे हम लोगों को ज़मीन मंगाए तो कैसी देंगे, कैसी कहेंगे कि हमारा ज़मीन कौन है? वो भी पता नहीं था कि हमारा, जानते हैं कि हमारा ज़मीन आदिवासियों का, सब ज़मीन आदिवासियों की है। हम यही सुनते आ रहे हैं और यही कहेंगे, अभी भी नहीं देंगे ज़मीन। इसको लेकर के ग्राम सभा से अनुमति लिया था कि नहीं? ग्राम सभा से अनुमति नहीं लिया गया, ग्राम सभा हुई नहीं रहा गांव में, तो कहां से अनुमति लेंगे। मैंने इस समस्या पर वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के बिना अनुमति लिए वहां का जमीन कोई भी कंपनी नहीं ले सकती है। पेशा कानून को सख्ती से लागू करने हेतु जिला उपायुक्त कृपानंद झा मोबाइल नंबर 9431161940 में अब सभी दर्शकों से अपील करती हूं कि इस नंबर पर कॉल करें और हमारे जिला उपायुक्त के ऊपर दबाव बनाएं ताकि दिगरसर और हेसा गांव का जमीन कंपनी ना ले सके। मैं सुजिता, जिला सरायकेला खरसवां झारखंड से, इंडिया अनहट के लिए।